नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, बिहार के हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद पशुपति कुमार पारस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से अपना नाता तोड़ लिया है। उन्होंने मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। एक हफ्ते पहले तक पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा कर रहे लोजपा सांसद पशुपति पारस ने एनडीए की सीट बंटवारे से नाराज होकर यह कदम उठाया है। सोमवार को एनडीए ने बिहार के 40 सीटों पर अपने घटक दलों का बंटवारा किया था। इनमें उनके भतीजे चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी के नाम पर 5 सीटें दी गई। चिराग और पारस दोनों हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे और यह मौका अंततः दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को दिया गया है। एनडीए के घटक दलों की सोमवार की बैठक हुई है और उसके बाद दिल्ली में ही बिहार में भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े ने बिहार में सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के घटक दलों की सोमवार को बैठक हुई और उसके बाद दिल्ली में ही बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े ने बिहार में सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद संजय झा के साथ सीटों का ऐलान किया। सीटों का ऐलान करते हुए तावड़े ने लोक जनशक्ति पार्टी का नाम लिया और 5 सीटें उसे दी। चूंकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी पहले से ही बता रही थी कि उनके नेता को हाजीपुर और पार्टी को 5 टिकट देने का वादा हुआ है, फिर यही हुआ तो पारस परेशान हुए थे। पारस ने पिछले हफ्ते बिहार में संवाददाता सम्मेलन कर खुद ही कह दिया था कि उनसे किसी से बात नहीं हुई है, किसी से मतलब भाजपा से था। ऐसा माना जा रहा है कि पारस अलग पड़ने के बाद विकल्पहीन होकर इस्तीफा देने को मजबूर हुए हैं। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंधक निदेशक आचार्य बालकृष्ण और योग गुरु रामदेव को सुनवाई की अगली तारीख पर पेश होने के लिए कहा है। दरअसल बीमारियों के इलाज पर भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि और बालकृष्ण के अवमाना को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था, जिन्हें लोगों ने जवाब नहीं दिया। न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति सैफुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कंपनी और बालकृष्ण की अदालत द्वारा पहले जारी नोटिस पर जवाब दाखिल करने में विफल रहने पर कड़ी आपत्ति भी जताई है। पीठ ने रामदेव को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद को उसके उत्पादकों के बारे में न्यायालय को दिए गए पूर्व के आश्वासनों का उल्लंघन और दवाओं के असर से जुड़े गलत दावों का मामले में फटकार लगाई थी। न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद और उसके प्रबंधक निदेशक को नोटिस जारी कर पूछा था कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए। इंडियन मेडिकेशन एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटियाला ने याचिका में बताया था कि पतंजलि ने दावा किया था कि योग अस्थमा और डायबिटीज को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन को लेकर केंद्र से परामर्श और गाइडलाइन जारी करने का आदेश दिया था। पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद और उसके अधिकारियों को मीडिया में अन्य दवा प्रणालियों के बारे में कुछ गलत कहने के लिए आगाह भी किया था। अगली खबर, टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लोकसभा चुनाव कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक संस्थानों को तबाह करने की कोशिश कर रही है। डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। डेरेक ओब्रायन ने मंगलवार को आरोप लगाते हुए अपनी सोशल मीडिया ऐप पर पोस्ट किया। एक पोस्ट में डेरेक ओब्रायन ने लिखा कि भाजपा घटिया तरीकों से भारत में संस्थानों जैसे चुनाव आयोग को तबाह कर रही है। क्या भाजपा लोगों को सामना करने से डर रही है? इसी वजह से उसने विपक्ष को निशाना बनाने के लिए चुनाव आयोग को अपनी पार्टी कार्यालय में तब्दील कर लिया है। डेरेक ओब्रायन ने लिखा कि निर्वाचित राज्य कार्यों को के अधिकारियों का ट्रांसफर किया जा रहा है। हम निष्पक्ष और मुक्त मतदान के लिए चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट लोकसभा चुनाव 2024 की निगरानी करे। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने सोमवार को अपने एक आदेश में पश्चिम बंगाल की डीजीपी राजीव कुमार समेत कई राज्यों के गृह सचिवों का तबादला कर दिया था। चुनाव आयोग ने विवेक सहाय को नए डीजीपी बनाया है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा संवैधानिक निकायों को नियंत्रित करना चाहती है। डेरेक ओब्रायन कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आम चुनाव कराने की मांग पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा कि डेरेक ओब्रायन और उनकी पार्टी के नेता नया संविधान बनाना चाहते हैं। चुनाव आयोग के पास देश में जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, यह राज्य के निर्वाचन आयोग की तरह काम नहीं करेगा। जो वह सब करें जो ममता बनर्जी उनसे कहेंगे। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में नोट के बदले वोट के केस में मामले में सीता सोरेन का नाम तेजी से सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उन्हें विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष मुकदमे का सामना करना होगा, जो कि पहले से ही 2012 की खरीद फरोख्त मामले के गवाह से पूछताछ कर रही है। सीता सोरेन झामुमो मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन की बड़ी बहू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी है। वे दुमका की जामा विधानसभा सीट से 3 बार की विधायक हुई है। साल 2009 में शिबू सोरेन के बड़े बेटे झामुमो के तत्कालीन महासचिव दुर्गा सोरेन की बोकेरो में संदेहास्पद
संशयास्पद स्थिति में मौत हो गई थी। वह उस वक्त महज 39 साल के थे। मौत की वजह किडनी फेल होना बताया गया था। बड़े भाई के निधन के बाद ही हेमंत सोरेन ने पार्टी में कद बढ़ गया था। हालांकि बावजूद इसके हेमंत की कैबिनेट में कभी उन्हें शामिल नहीं किया गया। कहा जाता है कि इसे लेकर कहीं ना कहीं वे गुस्से में हैं। सीता सोरेन अक्सर राज्य में अवैध खनन और परिवहन के मुद्दे को लेकर मुखर रही हैं। ओडिशा में मयूरभंजा में पैदा हुई सीता सोरेन 12वीं तक की पढ़ाई की है। उनके पिता का नाम बोंदू नारायण मांझी और माँ का नाम मालती मुर्मू है। इनकी 3 बेटियां हैं। सीता सोरेन पढ़ने के में भी शौकीन है और साहित्य के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद को अपना आदर्श मानती है। साल 2021 के अक्टूबर में उनकी 2 बेटियां राशि सोरेन और जयश्री सोरेन ने अपने पिता के नाम पर एक पार्टी का गठन किया था। इसका नाम दुर्गा सोरेन सेना रखा गया था। दोनों बेटियां ने कहा था कि इसका मकसद राज्य में भ्रष्टाचार, विस्थापना, जमीन की लूट समेत अन्य मसलों पर संघर्ष करना है। उनकी बेटी राशि ने बिजनेस मैनेजमेंट और जयश्री ने कानून की पढ़ाई करी। अगली खबर, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज की है। मस्जिद कमेटी ने विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह विषय हाईकोर्ट में ही रखें। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद काफी पुराना है, जिस पर हाईकोर्ट के भी केस चल रहा है। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी भी है कि सभी मुकदमों को मथुरा जिला अदालत से हाईकोर्ट ट्रांसफर कराने के लिए मस्जिद पक्ष की याचिका अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मस्जिद कमेटी की उस याचिका पर अप्रैल में सुनवाई होगी। आज का मामला 18 में से 15 केस को एक साथ जोड़ने के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने इसका दखल नहीं दिया है। अदालत ने इस मामले में दखल देने से इनकार करते हुए मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है। हिंदू पक्ष की तरफ से पेश हुए वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को अपना मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित 15 मामलों में वो एक साथ सुनवाई के लिए जोड़ा है। उन्होंने बताया कि आज शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी उस आदेश के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में आई थी। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट को चकबंदी आदेश के खिलाफ रिकॉल अर्जी दाखिल कर चुके हैं। इससे पहले रिकॉल अर्जी पर फैसला हो जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। अगली खबर, लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में उलट पलट देखने जारी है। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे थे। राज ठाकरे सोमवार की रात को ही दिल्ली पहुंचे थे। मंगलवार को उन्होंने एक प्राइवेट होटल में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े से मुलाकात की। इस मुलाकात के खत्म होने के बाद एमएनसी प्रमुख अमित शाह से मिलने उनके आवास पहुंचे हैं। इस दौरान राज ठाकरे के साथ विनोद तावड़े भी अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारों में चर्चा है कि राज ठाकरे एनडीए में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और राज्य भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले पहले से ही नई दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद सोमवार को राज ठाकरे ने मीडिया से भी बात की है। उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरा कार्यक्रम क्या है, मुझे तो बस दिल्ली आने के लिए कहा गया था और मैं दिल्ली आ गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी इस पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हर कोई निर्णय लिया जाता है तो आपको बताया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए में राज ठाकरे की एमएनसी की एंट्री हो सकती है। भाजपा उमेश शिंदे की शिवसेना कोर्ट से एक सीट की पेशकश कर सकती है। भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन इस बार महाराष्ट्र की 48 में से 45 प्लस लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। आखिरी खबर, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बॉर्डर पर गढ़चिरौली पुलिस को सब बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए हैं। 4 माओवादी तेलंगाना स्टेट कमेटी के बताए जा रहे हैं। ये मुठभेड़ कोलामार्का के जंगल में हुई है। निरीक्षक श्रीफ पाटिल की घटना की पुष्टि की है। फिलहाल मौके पर पुलिस की टीम मौजूद है, जहां पर नक्सली द्वारा इस्तेमाल किए गए लॉन्चर और बंदूकें भी बरामद हुई हैं। पुलिस की जानकारी दी है कि सर्चिंग के दौरान और भी नक्सली लाश मिलने की संभावना है। एसपी गढ़चिरौली नीलोत्पल ने जानकारी देते हुए बताया कि गढ़चिरौली के कोलामर्का पहाड़ों के पास से C60 और CRPF क्यूटी की कई टीमों ने संयुक्त अभियान में चलकर 4 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। इन नक्सलियों के पास में से एक AK-47, एक कार्बाइन और 2 देशी पिस्तौल समेत नक्सली सहित सामान भी बरामद हुए हैं। नक्सलियों पर महाराष्ट्र सरकार ने 36 लाख रुपए का इनाम घोषित रखा था। नक्सल विरोधी अभियान अभी भी जारी है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।